आयुष, गुड इवनिंग। आप सभी लोग कैसे हैं? और आप बताइए, आप लोगों का आज का दिन कैसे कैसे बीता? और आज 1 जनवरी था और हम आप लोग से सुबह में बात किए थे कि हमको कहीं जाना है, बट कहीं जा नहीं पाए। और क्या आप लोग से बताएं, जाने वाले थे और धूप भी बहुत अच्छा निकला था और जा नहीं पाए। थोड़े से तबीयत खराब हो गया, पतिदेव का सर्दी जुकाम हो गया था और इसीलिए नहीं जा पाए। और देखिए ये अपना बेचारा काम वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, लैपटॉप में प्ले कर बैठे हैं। और बाबू देखिए यहाँ पे सो गया है। लो ये चुटका है, सो गया है। और यहाँ पे बन्नी बन्नी भी सो गई है। और हम सोचे कि पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं और उसके बाद से सोएंगे या मोबाइल में कुछ काम और करना है। और आप लोग बताइए, शाम को आप लोग के घर खाने में क्या बना था? हम बनाए थे खीर पूड़ी सब्जी। और सुबह में के आप लोग से बताए हैं कि क्या बना था। और देखिए अभी बहुत ज़्यादा से इस समय ठंड है तो हम हीटर के पास बैठे हैं। एक छोटा सा हीटर है, पूरा रूम बंद कर देते हैं और पूरा रूम एकदम गर्म हो जाता है और 1-2 घंटा चलाते हैं लोग, फिर उसके बाद से बंद कर देते हैं। और देखिए कल जाने वाले हैं, कल जाएंगे आप लोग से दिखाएंगे और एकदम कंफर्म है कि कल हम लोग कहीं जाएंगे और आप लोगों को ब्लॉग शूट करके लेके आएंगे और आप लोग देखिएगा लो। और देखिए आपको कुछ बोलना है? इधर देखिए ना, हम काम कर रहे हैं थोड़ा बाद बहुत। ये बेचारा थोड़ा सा हमसे गुस्सा है, हमसे नहीं गुस्सा है, मोबाइल के लेके नेट मतलब काम ही नहीं कर रहा है, चल ही नहीं रहा है नेट। क्या करे, नेट का इतना प्रॉब्लम हो गया है कि कोई क्या कर सकता है। और मेरा भी मोबाइल में का नेट ख़त्म हो गया है और इनका जियो का है तो इसमें चल नहीं रहा है अच्छा से। और इनको सर्दी जुकाम थोड़ा सा हो गया है। और आप लोग बताइए कैसे हैं? और आप लोगों का दिन आज कैसे कैसे, मतलब सारे दिन ख़त्म हुआ, आप लोग सभी लोग बताइएगा लो। और हम सोचे थे जाने के लिए, जा नहीं पाए तो थोड़ा नहीं होता है कि हम जाने के लिए प्लान बनाए हैं और नहीं जाते हैं तो थोड़ा मूड अप हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, अब तबीयत ख़राब इनका, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया था तो फिर ये बोले कि छोड़ो नहीं जाएंगे, कल देखते हैं। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, क्या करना है, आज या कल कभी जाना है तो चलना है, कभी जाएंगे। और आप लोग बताइए, आप लोग पिकनिक में कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या बनाए और क्या क्या खाएं? और हमारे घर चिकन उगन कुछ नहीं बना था क्योंकि हम लोग तो खाते ही नहीं हैं। और बच्चा सब इनके चाचा जी लेके आते थे तो वो चले गए हैं कहीं घूमने के लिए। और बाबू छुटका थोड़ा बेचैन था खाने के लिए, पर आया नहीं था, कहाँ से खाएगा। और तो उसके बाद से ये कुछ मिठाई वगैरह लेके आए बाजार से, स्पॉन्ज, तो बाबू सब खा के खुश हो गया, मस्त हो गया। फिर हम खाना बनाए तो खा लिया और सो गया है लोग। और आप लोग बताइए कि आप लोग के यहाँ धूप वगैरह कुछ निकला था कि नहीं निकला था? और देखिए हम यहाँ पे बैठे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं और हम लोग दोनों ने एक साथ, मतलब कुछ भी करना होता है तो ये नहीं होता है कि ये अपना काम कर रहे हैं और हम सो गए, ऐसा नहीं होता है। हम भी कुछ कुछ अपने मोबाइल में करते रहते हैं और सोचे कि शाम को ब्लॉगिंग करके शूट कर लेते हैं और आप लोग के पास जाएगा और आप लोग देखिएगा लो। और कि नया साल आ गया है, नए साल में सबको अच्छे अच्छे काम करना है, नए नए काम करना है और सब लोग अच्छे से रहिएगा लो। और पुराना साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबको, मतलब ये सब भूल जाना है हम लोगों को और आप सभी को। और भगवान से कृपा हम लोग करते हैं कि आप सभी और हम एकदम खुश रहें और अच्छे से रहें, अपना ज़िंदगी अपना लाइफ जिए खुशी खुशी। और आप लोग भी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नए साल में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा क्योंकि नए नए चैनल आप लोगों के पास रोज़ रोज़ जाएगा। और चलिए तब तक के लिए हम चलते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। बाय गाइस।